All the best. परफॉर्मेंस जो था वो हिट से ज्यादा मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों ने जो ये सिम्फनी चैलेंज रखा है ना, ये राउंड ही अपने आप में बहुत मुश्किल है और इसमें अच्छे अच्छों की सांस फूल जाए. आप लोग इतना अच्छी तरीके से इतना इम्पेकेबली गा रहे हो यार, कमाल है. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा. मैं उस दिन बोला था पिछले जुम्मे को, सॉरी पिछले एपिसोड में, तो मैंने बोला था कि ट्रॉफी कानपुर जा सकती है. आज ऐसा लग रहा है कि आज शायद वैभव जो है ना, ये बहुत मस्तीखोर है. ये मेरी पूरी एक्टिंग करती रहते हैं. फैंटास्टिक 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 सिंग आउटस्टैंडिंग. सूर में गाया तुमने. अरे दादा, आपको एक्टिंग ये भी करता है? हाँ बोलो क्या. कुछ तो शुरू हो रहा कहीं. ये जो कुमार सानू है ना, इसके नकल उतारो सर आप. जो भी आपकी इच्छा, जैसा चाहें आप. दिखा दे. ट्राई करूंगी. मैं
सुर देना बेटा. मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है. ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन. कर दो जब मुझे गाने का मौका मिला इनके साथ में, तो मैंने बोला अरे बाप रे, तो ये आया अपना. हाँ तू अच्छा गाता है बे. कैसा है गुलशान जी? गुलशान जी कैसे? गुलशान जी टी सीरीज कैसा है? अच्छा वो तू क्या है, तू सुर में गाता है इसलिए मैं तेरे साथ में गा रहा हूँ, वरना मैं किसी के साथ में गाता नहीं हूँ. इनसे बहुत सीखा हमने, गुरु हैं आप हमारे. बिल्कुल गुरु आप हमारे. उदित जी एक बार कर देना जरा. उदित जी का एक बड़ा अच्छा, जब मैं नया आया था. अरे आपको तो देखा है सर, दिल्ली में आप एक बार गा रहे थे, मैं सोच रहा था ये यंगर जनरेशन जो है ये कैसे गाती है. संदेश ही आते गाने के पहले मैं अंगूठे में एक घड़ी छोटी सी पहनता था, तो मेरा गाना चल गया. अब ये गए और मैं पीछे सुन रहा हूँ, ये साला सोनू निगम जब से अंगूठे में अंगूठी पहनी है साले का टाइम चल गया. ओ जोर से हंसा नहीं तूने. इरे बाप रे बाप. तो मैंने देखा है कि इतने सालों में इतने सारे कंपोजर के साथ में मैंने काम किया है, सबका अपना एक मुख्तलिफ स्टाइल होता है. घोड़ी चढ़ के बांध के सहरा, उसके घर में जाऊंगा. हर सच कहता हूँ राम कसम, मैं जोरू उसे बनाऊंगा. नीचे फूलों की दुकानों पर गोरी का मकान. नीचे फूलों की दुकानों पर गोरी का मकान. अरे 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 अरे. ओ जब वो चौबारे से निकले, जब वो चौबारे से निकले मेरा दिल हो बेईमान. अरे 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 अरे. नीचे फूलों की दुकानों पर गोरी का मकान. और अब स्टेज पे बुलाना चाहेंगे मिस्टर शशांक श्रीवास्तव. बहुत तबील अरसे से हमारा ये एसोसिएशन रहा है और यकीनन आगे भी, चूँकि प्रोग्राम इतना कामयाब है, यकीनन मुस्तकबिल में भी मेरे ख्याल में ये जो पार्टनरशिप है, जो शराकत दारी है, वो मेरे ख्याल में जारी रहेगी. और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये शो की कामयाबी के लिए ये सोनी के इंतज़ामिया को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ. इनकी निजामत में ये प्रोग्राम इतना अच्छा मुनक्किद हुआ
ऑल्सो मेरे को लगता है जो बुनियादी वजह है इस शो की कामयाबी की वो पार्टिसिपेंट्स हैं और उनकी जो जो परफॉर्मेंसेस हैं उन्होंने हमारा दिल जीत लिया है और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. Okay, now, result time. The third runner-up of Indian Idol Season 14. Onam. Ananya Paul! Second runner-up ka naam hai. पीयूष पवार. फाइनल रेस. ओके, इंडियन आइडल सीजन 14 का विनर कौन होगा? क्या होगा वो शुभो, क्या होगा वैभव? कमान, कौन होगा शुभो या वैभव? हम सोनू जी आपसे ये दरखास्त करेंगे, आप विनर अनाउंस करें, हमें बताइए कि इंडियन आइडल सीजन 14 की ट्रॉफी किसे मिल रही है. इंडियन आइडल 14 का विनर है की ये शानदार ट्रॉफी. एक बार इसके लिए जोरदार तालियां और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की ओर से नीरज सर प्लीज हैंड ओवर द चेक ऑफ 25 लाख टू द विनर ऑफ इंडियन आइडल सीजन 14 वैभव गुप्ता. नाउ मेक सम नॉइज फॉर शुभोदीप दास चौधरी. हमारे फर्स्ट रनर अप को ये ट्रॉफी इंडियन आइडल की हम देना चाहेंगे. शुभोदीप दास चौधरी और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की ओर से 5 लाख रुपए का प्राइज मनी. और दोस्तों, लाखों एहसासों से भरा इंडियन आइडल का ये सीजन यहीं पे खत्म होता है. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.